शादीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एनी टाइम न्यूज़ में खैर मकदम है। पीडीएस चावल का गैर कानूनी नकल हमल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। जी नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर टास्क फोर्स 100 जोन टास्क फोर्स टीम और भवानी नगर पुलिस के अहलकारों ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत पीडीएस के चावल जमा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दो मुकामात पर 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए पीडीएस चावल गेहूं को गैरकानूनी तौर पर दूसरी रियासत महाराष्ट्र में ले जाया जा रहा था। इनके कब्जे से 102 क्विंटल पीडीएस चावल और 31.10 क्विंटल गेहूं को जब्त किया गया जिसकी जुमला मालियाती रकम 2,57,000 रुपये बताई जा रही है, जहां गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त शेख रशीद, शेख अयाज और मोहम्मद अख्तर के तौर पर की गई है। मुलजिम शेख रशीद अपने बेटे के हमरा अफजलगंज में ट्रांसपोर्ट्स का कारोबार करते थे, जहां कारोबार में नुकसान की वजह से रशीद और इनके बेटे अयाज ने गैर कानूनी तरीके से आसान तरीके से रकम कमाने का मंसूबा बनाया। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात एनी टाइम न्यूज़ के साथ, और इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।